इन्होंने सच्चाई की अगर आवाज़ उठाई तो इनको उसको नुकसान मिला। मैं काम करती हैं सरकार, ज़्यादा फिजिकल रूप से नहीं करती। कागजों में दिखाने के लिए बहुत पॉलिसी होती है, लेकिन जब फील्ड में काम करना पड़ता है तो फिर कम पॉलिसी आती है। जिसको फायदा वोट का होगा उसी आधार पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज़। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राकेश टिकैत जी। तो उन्हीं से आज हम इस धरने के बारे में बातचीत करेंगे, जिस तरीके से डॉक्टर रितु सिंह का जो धरना कब से चल रहा है, तो सर आप उस पर क्या कहेंगे? देखो, धरना चल रहा है, ये आवाज़ स्टूडेंट की वहाँ पे जो पोस्टिंग हो रही उसके बारे में। इन्होंने सच्चाई की अगर आवाज़ उठाई तो इनको उसको नुकसान मिला, वो ये पूरी कहानी। अगर ये समझौते कर लें तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी अपने नौकरी करें, भाई अपना कैंपस में घर मिल जाएगा, अपना तनख्वाह ले, आवाज़ ना उठावें। लेकिन ये तो जनता के लिए बने हैं ना, इस तरह के लोग जनता की आवाज़ उठाते हैं। तो जिस तरीके से सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है, वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मतलब ये धरने पर बैठी हुई, तो क्या सही है ये इस तरीके से? कागजों में काम करती है सरकार, ज़्यादा फिजिकल रूप से नहीं करती। कागजों में दिखाने के लिए बहुत पॉलिसी होती है, लेकिन जब फील्ड में काम करना पड़ता है तो फिर कम पॉलिसी आती है। नहीं, महिलाओं के लिए मतलब सुरक्षा ला रही हैं और आरक्षण लाई है 33%, उस पर क्या कहेंगे आप? और 33 का आरक्षण तो 50% ही आ जाना चाहिए ना, उसको लागू कर दो। वो जाकर 35 और 36 में क्यों होगा, अभी से ही दे दो सबको टिकट 50%। भाई पता चल जाएगा ना हाउस में कौन उसका विरोध करता है, उसका पता चल जाएगा। जिस तरीके से जातीय जनगणना कराई जा रही है, तो मतलब उस पर आप क्या सहमत हैं कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हमें इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी, किसी को ये लगता है कि हमको फायदा है उसका समर्थन करेगा, किसी को ये लगता है कि नुकसान है उसका विरोध करेगा। ये पॉलिटिकल सिस्टम से सारा सामाजिक मतलब कह रहे हैं ना दूसरे लोग कि आर्थिक रूप से कराई जाए, जातीय रूप से क्यों करा रहे हैं? हमने कहा कि जिसको फायदा वोट का होगा वो उसी आधार पर बात करता है, हमको तो इलेक्शन लड़ना नहीं। तो सर, जैसे कि मतलब आप लोगों से खालिस्तानी कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि काले पन्नों में आपसे नाम लिखा जाएगा, उस पर क्या कहेंगे आप? अब पता नहीं, यहाँ तो कोई खालिस्तानी हमने तो कोई देखा नहीं। भाई दूसरा आदमी कौन क्या कह रहा है तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं, वो तो उसकी सोच है, वो क्या कह रहा है। सर, जो 13 महीने का जो किसान आंदोलन चला था, तो आपको लग रहा है इनको संघर्ष मिल पाएगा? इतने मतलब दिनों से ये बैठी हुई है। मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने देखा, ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत जी, इन्होंने डॉक्टर रितु के साथ हैं और कह रहे हैं इनको भी संघर्ष मिलेगा, न्याय मिल पाएगा। तो आप इनकी बात से कितना सहमत हैं हमें ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए जनता आवाज़।